अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं कुर्बानी का जानवर देखने के लिए। यू मीन कुर्बानी का जानवर? ये पीछे मेरी देवरानी बैठी हुई है और ये देवर हैं, और इन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं भाभी जान, आप आगे बैठे, आप बहुत बड़ी हैं, आप हमसे बहुत बड़ी हैं। तो जी यहाँ जी हमारा आ गया है बैल। देखिए कितना खूबसूरत बैल है, अल्लाह नजर बस से बचाए, और देवर साहब उसको प्यार कर रहे हैं। देखिए जी हमारी कुर्बानी का जानवर कितना खूबसूरत है, आप सब ने माशाल्लाह कहना है, माशाल्लाह। और देखिए जी ये कुर्बानी का बैल खड़ा है और ये इसका कीमा हो रहा है। बस इतनी देर लगाता है पाकिस्तानी। बस ये जी हम कीमा कर रहे हैं अपनी जो ख़ास मशीन घर में रखी हुई है, अपनी मशीन के साथ इसका कीमा बना रहे हैं, क्योंकि इसके साथ हम बनाएंगे आज कबाब। और अली भाई भी आ गए थे अपना घर से, जो मतलब गोश्त लेके के कीमा कर दे इससे। हमने कहा चलो बाहर इसकी दुकान लगा लेते, काफ़ी पैसे इकट्ठे होंगे। सारे हंस रहे थे, एक दूसरे को मजाक कर रहे थे। तो जी बस मजाक तो चलता रहता है। यहाँ जी कीमा बन गया था, तैयार हो गया था घर से, साफ़ सुथरा कीमा अपनी आँखों के सामने निकाला था। तो यहाँ पर जी मैं कबाब का मसाला तैयार कर रही हूँ, और मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी मसाला नहीं लगाया और ना ही बहुत हल्का लगाया। और मसाला दिखाना मैं आपको भूल गई कि किस तरह से मैंने इसको मसाला लगाया था। और जो मसाला मैं लगाती हूँ उसकी बाइंडिंग ऐसी होती है कि कबाब कभी टूटता नहीं है, और बड़ा फ्लफी सा जूसी सा मतलब ना इसका कबाब बन जाता है। तो इसका मतलब कबाब को मसाला तैयार करने का तरीका यह है कि इसमें सारी चीज़ें डाल के ना आपने इसको बस अच्छी तरह से जैसे आटा गूंदते हैं ना, इसको गूंदते जाना है। यहाँ जो ये ट्रिक मेरे पास है कबाब को जोड़ने वाला, इसमें अगर थोड़ा सा मैदा डाल देना तो कबाब कभी भी नहीं टूटता। ये बहुत बड़े शेफ़ हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बताया था ये ट्रिक, बहुत अच्छा ट्रिक है ये। और ये कबाब कभी भी नहीं टूटेगा मतलब, और बहुत ही जूसी फ्लफी सा एक ना कबाब तैयार होता है। इसको इतना अच्छा आपने मैश करना है, इतना अच्छा गूंदना जैसे आटा गूंद रहे, बस जब इसमें हाथ डाल दे रहे तो बस ये देखें कि बस 15-20 मिनट तक हमने इसको इसकी बाइंडिंग करते रहना। जितनी अच्छी बाइंडिंग होगी इसकी, उतना अच्छा कबाब जुड़ के बनेगा। इसके कोफ्ते भी बन जाएंगे, इसके कबाब भी बन जाएंगे। अगर आपकी मर्ज़ी, आप कबाब बनाना चाहते हैं आप कबाब बनाएं, कोफ्ते खाना चाहते हैं तो जी कोफ्ते खाएं। और मेरे तो हस्बैंड इतने कोफ्ते पसंद नहीं करते, कबाब ही पसंद करते हैं। तो आप लोग भी शेयर कीजिएगा कि आप किस तरह से कबाब बनाते हैं, किस तरह से इंजॉय करते हैं अपनी बकरीद को। जी हमने तो काफ़ी इंजॉय किया बकरीद को, लेकिन काफ़ी कुछ दिखाना मुझे भूल गया और कुछ चीज़ें मैंने मुनासिब भी नहीं समझी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि आप किसी भी चीज़ को शो ऑफ करो। तो ये अल्लाह की राह में कुर्बानी होती है कि आप किस तरह से बांटते हैं इसको। ये देखें जी कितना अच्छा ज़बरदस्त सा कबाब तैयार हो गया है, और देखिए इसकी बाइंडिंग कितनी अच्छी हुई है, मतलब इतना अच्छा जुड़ा हुआ है कि ये टूटने का इसको कोई ख़दशा नहीं है। और ये एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी, जब भी आप कोफ्ते बनाएं तो डायरेक्ट इसको बॉल नहीं बनाना इसका, तो वो फिर ऐसे रहे जब हम मतलब डालते हैं ना मसाले के अंदर, तो वो थोड़े से फटे फटे से शामी कबाब बनते हैं। और इसकी बाइंडिंग के लिए ना एक जैसे इसको हाथ के ऊपर ज़ोर ज़ोर से मारना है, तो जितना इसको ज़ोर ज़ोर से पुश करेंगे ना, तो वो आटा इसका सारा जैसे पेस्ट होता है ना बड़ा, एक दूसरे के अंदर बाइंड हो जाएगा। जब वो बाइंड हो जाएगा ना, तो वो कोफ्ता कभी भी आपका जाके ना उसमें शहीद नहीं होगा। मतलब ना टूटे फूटेगा नहीं। तो जी ये भी एक ट्रिक है जो मैंने आपसे शेयर किया है। तो जी टिप्स एंड ट्रिक्स तो चलते ही रहेंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त से शामी कबाब और कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। जब इसको मैं बनाऊंगी ना, तो मैं आपसे लाजमी शेयर करूंगी इसकी रेसिपी ना, कि किस तरह से मैं अपने कोफ्ते और कबाब बनाती हूँ। कबाब तो मैंने अभी फ्राई कर लिए थे, वो मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ। अभी आयमा फातिमा मुझे तंग कर रही थी, कह रही थी कि बस मुझे किचन में आना है, उसमें स्पाइसी ज़्यादा थे तो ये मसाले में हाथ लाजमी डालती हैं आगे। मैंने कहा बहन जी आप आए रहें, क्योंकि मसाले इसका बहुत तेज़ है, और कितना वो देख रही है सस्पिशियस आइस के साथ। यहाँ जो कबाब देखे मैंने, वो जो पेशावर में जैसे कढ़ाई में डाल देना हाथों के साथ, मैंने ना आगे पीछे किए हैं, क्योंकि ऊपर से तो गर्म नहीं है, नीचे से ऑयल लगने का खर्चा है। तो जी इतने ज़बरदस्त ये कबाब बने थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो जी ये देखें, इसको चाहे आराम से उलट पुलट लें या तेज़ी से उलट पुलट लें, ये टूटेंगे नहीं। ये इस तरह की मैंने इसकी रेसिपी तैयार की है। अगर आपको भी ये कबाब पसंद आए, अच्छे लग रहे हैं शक्ल से, तो आपने मुझे लाजमी कमेंट्स में बताना है और किस किस को पसंद है। और यहाँ जी देखिए मैंने कबाब फ्राई कर लिए हैं, और कितना ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर लग रहा है, कितने ही मतलब मज़े के फ्लफी फ्लफी से ये कबाब बने हैं, ज़बरदस्त इसकी शेप आ रही है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इंशाल्लाह अगर आपको ये कबाब की शेप और शक्ल नज़र आ रही है तो उसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ। ये देखिए कितने
मतलब मोटे मोटे ढोल के जैसे कबाब बन गए, मतलब शेप में भी अच्छे लग रहे हैं। और इसमें एक चीज़ ऐसी डाली है जिसकी वजह से ये फ्लफी से हो गया और जूसी से बहुत मज़ेदार से। और इसका जी हम देंगे रिव्यू कि किस तरह से बने हैं ये, और आपको अभी तोड़ के दिखाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और नरम से अंदर से बनते हैं, बाहर हार्ड भी नहीं होते। और ये देखिए कितना खूबसूरत है। यहाँ जी हस्बैंड ने तो पास कर दिया था, वो कह रहे थे बहुत मज़ेदार बने हैं। और ये देखिए कितने जूसी और कितने हेल्दी हेल्दी कबाब लग रहे हैं, मतलब मोटे मोटे कबाब लग रहे हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसकी शेप आई है, और बिल्कुल ही नरम सा था। इसमें कोई भी मतलब जैसे होता है ना हार्ड हो जाता है बाजू का, था हम उसको फ्राई करते हैं तो बाहर से इसके किनारे बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, तो बिल्कुल ही बाहर से भी नरम था और अंदर से भी। देखिए कितना नरम और जूसी है और कितना फ्लफ़ी हो गया है। जब मैंने डाला था इतना फ्लफ़ी नहीं था, इतना मोटा नहीं था, लेकिन जैसे मैंने इसको फ्राई करना शुरू किया तो ये काफ़ी मतलब ना फ्लफ़ी सा हो गया था। यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी आज, और बच्चों को मैंने खिड़की में बैठा दिया, उनके पास में खुद भी बैठ गई ताकि बच्चे इंजॉय करें, तो बच्चे कर रहे थे इंजॉय। और जी ये ईद वाले दिन का क्लिप है, जब हम शाम को वापस आए थे अपने अपने घरों में, क्योंकि हमारा ससुराल बिल्कुल ही नज़दीक है, बहुत ज़्यादा करीब है। तो हम सारे वॉक करते करते अपने घर आए, देवरानी उसकी फैमिली थी, मेरी फैमिली थी, तो हमारे बिल्कुल ही नज़दीक घर है, तो हमने वॉक की और वहाँ से हम घर अपने चले। बच्चों ने खूब इंजॉय किया ईद वाले दिन, बहुत ज़्यादा मस्ती की, मज़ा किया, क्योंकि ईद तो बच्चों की होती है और बच्चे इंजॉय ना करें तो उसमें मज़ा भी ईद का नहीं आता। तो यहाँ पर सारे बच्चे एक लाइन बना के ना घर की तरफ जा रहे थे, और यही एज है बच्चों के इंजॉय करने की, अपने ज़िंदगी को हमेशा यादगार रखने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि बच्चों की जो ये गुड मेमोरीज है हमेशा मतलब। और आयमा फातिमा वहाँ पर सो रही थी, लेकिन हमें घर जाना था तो इसको हमने उठाया और हम साथ घर ले आए। तो यहाँ घर आके भी आयमा बहुत ज़्यादा सुस्त थी, फिर उसके बाद ये सो गई, इतनी फ्रेश नहीं थी क्योंकि सो रही थी, सोता हुआ बच्चा फिर आपको पता डिस्टर्ब हो जाता है। और जी मैंने आपसे जिक्र करना था इस फेमस बर्गर का जो यहाँ मिलता है। जी देखिए कितना अच्छा इसको रैप किया, वैसे जैसे बर्गर को साड़ी बनाई हुई है, कसम से इतना अच्छा सुंदर सुंदर लग रहा है बर्गर। राहत आपने कल कहा जी सुंदर, आप इंडिया से आए जी, सुंदर तो आप खुद भी हैं और इंडिया में रहने वाले सारे मुसलमान सुंदर हैं, हमें दिलो जान से प्यारे हैं, तो आए राहत बर्गर खाएं। तो जी यहाँ पर अली हसन, अब्दुल्ला, आयमा मैं छत पे ले गई थी क्योंकि इतनी खूबसूरत हवा चल रही थी और तरस गए थे हम लोग हवा को, और इतनी शदीद गर्मी थी जितना मतलब इंसान सोच भी नहीं सकता। तो बच्चों ने खूब इंजॉय किया छत पे जाके, हमने ना काफ़ी गद्दे बिछा लिए नीचे, और क्योंकि सारी छत धोई हुई थी और हमारे पास चारपाई नहीं थी, वो टूट गई थी, तो मैंने कहा चलो ये सारा कुछ बिछा लेते हैं। तो यहाँ जी जब ईद के बाद हम रात को आए ना, तो सारा मतलब खाना शाना तो खा लिया था, लेकिन उस दिन मैं मजलिस से हलीम लेके आई थी और मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। मैंने कहा था कि किसी दिन ना मतलब राइस बना के ना वाइट वाले, तो उसके साथ खाएंगे दाल दाल और चावल, और इतनी यम्मी दाल थी वो, इतनी यम्मी थी, लंगर की दाल थी ना, लंगर की दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और जब भी मतलब मुहर्रम होता है और 9-10 मुहर्रम को ये दाल मिलती है या हलीम मिलती है, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अलहदा होता है। और कुछ लोग जो होते हैं ना इसको नान के अंदर रैप करके रख देते हैं फ्रीज़र के अंदर या पोने में लपेट के, फिर उसके बाद खाते हैं, बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ जी मेरे चावल हो गए थे तैयार, और मैंने कहा इसको दम लगा दो। दम लगाने के बाद फिर इसको मैंने ना मतलब क्या किया, प्याज काट लिया और उसके ऊपर सिरका डाला, हरी मिर्च रखी, और इतनी ज़बरदस्त सी डिश बन गई, एक ज़बरदस्त सब मेन्यू बन गया। क्योंकि सिंपल सिंपल चीज़ें, जब आप बकरा ईद हो ना ख़ास तौर पे, तो बाद लोगों का इशू होता है कि जो गोश्त की स्मेल होती है उनके सर पर चढ़ती है। तो जी हमारे साथ वैसे इशू तो कोई नहीं था, लेकिन हम दोपहर में खा के आए थे गोश्त, तो हमने कहा कि चलो ये पड़ी हुई है, क्विकली जो भी चीज़ आके घर में बन जाए तो वो यही चीज़ थी। फटाफट मैंने इसको बना लिया, तैयार किया चावल दम पे लगा के जी खैराबाद करके मैं आ गई। दाल फिर मैंने गरम की, और ये देखिए गरम हो गई कितनी ज़बरदस्त, ये इसकी शक्ल निकल आई थी, ज़बरदस्त सी लग रही थी दाल। किस किस को पसंद है जी लंगर की दाल, लंगर की दाल का मज़ा ही अपना है। इसको नान पे रख के खाए ना तो वो ज़्यादा मज़ा है। मुझे तो राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है, राइस के साथ मुझे हर चीज़ अच्छी लगती है मुझे चावल बहुत पसंद है, रोटी मुझे बचपन से पसंद नहीं है। यम्मी दाल, मज़ेदार दाल थी। और इसमें एक बात कहूँगी कि जब ज़िक्र हुसैन किया जाता है ना, वो खाना वो लंगर खुद ही मज़ेदार बन जाता है, क्योंकि उसमें ज़िक्र हुसैन शामिल होता है।
वो अल्लाह का ज़िक्र शामिल होता है। तो जी ये देखिए मेरी प्लेट कितनी ज़बरदस्त सी मैंने तैयार की थी, चावल थे उसके ऊपर दाल थी और कितना मज़ेदार ये मतलब मेन्यू बन गया था। और आज जी मैं आपको कुछ सुना नहीं रही क्योंकि जी मैं इस कमरे में आके वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं कुछ सुनाऊँगी आपको और तब तक कुछ जहन में बना लूँगी कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो आज बहुत कम घर भी हैं कि कमरे में बैठ के मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अदरवाइज़ कमरे में बैठना नामुमकिन है, नामुमकिन है, कमरे में बैठ नहीं सकते आप। और इसके साथ ही अगर आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नए यूट्यूबर्स जो आ रहे हैं उनको सपोर्ट किया करें और उनको बहुत आगे तक लेके जाएं, उनको ग्रो करें ताकि जी वो एक अच्छा कंटेंट लाने वाले ना उनका भी एक ग्राउंड बन सके। तो इसके साथ ही जी मैं इजाज़त चाहती हूँ आपसे अगले व्लॉग तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।